नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। चीन पर मोदी सरकार के डिजिटल स्ट्राइक का असर अब दिखने लगा है। चीन जहां पहले कड़े तेवर दिखाने से पास नहीं आ रहा था, तो वहीं अब उसके सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। हालांकि चीन सीधे सीधे इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपनी हार को सीधे मानने को तैयार ही नहीं है, लेकिन चीन को अब ये मानना पड़ रहा है कि भारत और चीन की अर्थव्यवस्था को अलग करना नुकसानदायक होगा। और चीन के राजदूत सुन वीडोंग ने कहा कि चीन भारत के लिए कोई खतरा नहीं है। चीन की ओर से ये बयान तब आया जब भारत चीन के कुल 106 ऐप्स पर प्रतिबंध लगा चुका है और भारत में रंगीन टीवी के आयात पर रोक लगा चुका है। अब भारत ने ये कदम गलवान घाटी में हुए भारत और चीन की सेना के बीच झड़प के बाद लिया था, और जिसमें भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए थे। चीन के राजदूत ने बताया कि साल 2018-19 में भारत में 92% कंप्यूटर, 82% टीवी, 80% ऑप्टिकल फाइबर और 85% मोटरसाइकिल कंपोनेंट का आयात चीन से हुआ। भारत चीन के बीच ट्रेड को ऑपरेशन से मोबाइल फोन, हाउसहोल्ड अप्लायंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोबाइल मेकिंग और दवाई जैसे इंडस्ट्री का विकास तेजी से हुआ है। तो जाहिर है कि मोदी सरकार के डिजिटल स्ट्राइक से चीन को भारी नुकसान उठाना पड़ा है, और जिसके बाद उसके तेवर अब ढीले पड़ रहे हैं।